खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां डॉक्टर दंपति हत्याकांड। पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी महेश करौली पुलिस के सामने सरेंडर हुआ है। रात भर पुलिस का सर्च अभियान चला, आरोपी को अब भरतपुर लाया जाएगा। और आरोपी महेश ने मार्सलपुर थाना इलाके के गाँव भिरेटा जहां पर उसने शरण ली थी। तो ये पूरा मामला सनसनीखेज मामला, जब दिन दहाड़े दो आरोपियों ने गोली चला दी थी। डॉक्टर दंपति जब कार से जा रहे थे तब ये मामला सामने आया था, और इसका सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी सामने आया था, जिसके बाद जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और अब एक आरोपी जिसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, देर रात पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार करती रही, और उसके बाद एक आरोपी महेश, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसने सरेंडर कर दिया। तो डॉक्टर दंपति हत्याकांड, पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी महेश जिसने सरेंडर किया है, इसने करौली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। रात भर पुलिस का सर्च अभियान चला था, आरोपी को अब भरतपुर लाया जाएगा। आरोपी महेश ने मार्सलपुर थाना इलाके के गांव भिरेटा में शरण ली थी। लेकिन ये सर्च अभियान के बाद किस तरह से उसने सरेंडर किया, क्या कहां पर वो छुपा हुआ था, क्या कुछ जानकारी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है वो भरतपुर से जो आरोपी है, दो आरोपियों में से एक आरोपी महेश ने सरेंडर कर दिया है। अब दूसरा आरोपी कहाँ है, इसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी, महेश से इस बारे में पूछताछ होगी। लेकिन पहले उसको भरतपुर लाया जाएगा और उसके बाद लगातार पूछताछ भी की जाएगी। तो रात भर पुलिस का सर्च अभियान चला, जिसके बाद जो आरोपी महेश है उसने सरेंडर कर दिया। आरोपी को अब भरतपुर लाया जाएगा। आरोपी महेश ने मार्सलपुर थाना इलाके के भिरेटा में शरण ली थी। और हमारे सहयोगी मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह से ये सरेंडर हुआ, क्या कुछ रहा, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कल फर्स्ट इंडिया ने खबर प्रसारित की थी भरतपुर डॉक्टर दंपति की हत्याकांड का आरोपी करौली जिले में सूरौठ मार्सलपुर थाना क्षेत्र में होने की सूचना थी। इस पर एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में नाकाबंदी कराई गई। एडिशनल एसपी प्रकाश चंद, डीएसपी मनराज के अलावा सूरौठ मार्सलपुर थाने की पुलिस टीम और डीएसपी टीम ने इस क्षेत्र में नाकाबंदी कर रखी थी और फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी। देर रात में बताया गया, सूरौठ थाना क्षेत्र के आरएनी गांव में हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी महेश गुर्जर है उसको दबोच लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और बताया जा रहा है कि आरोपी को भरतपुर ले जाया जाएगा, जहां इसका अधिकृत और पुष्टि खुलासा किया जाएगा। जी मनोज, ये जो आरोपी है महेश, ये कहां पे छुपा हुआ था और पुलिस ने इसे पकड़ा है या सरेंडर किया है? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इसके करौली जिले में सूरौठ गढ़ीवाजना नानंदपुर क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद में अलग अलग टीमें गठित करके क्षेत्र में नाकाबंदी कराई जा रही थी और सर्विलांस टीम के और साइबर टीम के माध्यम से भी इस पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि सूरौठ थाना क्षेत्र के आरएनी गांव में इसको दबोचा गया है। बिल्कुल, तो एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि जब से ये सीसीटीवी फुटेज आया, ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। और हमारे सहयोगी रवि कटारा भरतपुर से जुड़ गए हैं। रवि, तो आरोपी महेश जिसने सरेंडर कर दिया है उसको पकड़ लिया गया है, अब भरतपुर लाया जाएगा, पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, अभी बताया जा रहा है कि अभी जो करौली पुलिस है वो भरतपुर पुलिस के लिए जो आरोपी है महेश उसको सौंपेगी। करीब 2 बजे तक जो आरोपी महेश है उसको भरतपुर लाया जाएगा, जिसके बाद हैं भरतपुर एसपी या आईजी इस मामले को लेकर ब्रीफ करेंगे, मीडिया के सामने रूबरू होंगे। हालांकि जो मुख्य आरोपी है अनुज, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि कल लगातार 350 और 400 करीब जवानों को और पुलिस एसपी धौलपुर और भरतपुर के द्वारा एक सर्च अभियान डांग इलाके में कल चलाया गया था, जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि इसे सरेंडर किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है मुख्य अनुज, वो भी जल्द सरेंडर कर सकता है। जी, और क्योंकि महेश पकड़ा गया है और अनुज की अभी तलाश जारी है, फिलहाल कोई पूछताछ हुई है कि अनुज का कोई सुराग लगे? देखिए, अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो यही है कि अभी महेश को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी जो पुलिस मामले को लेकर जो भी है जानकारी है वो जो पुलिस अधीक्षक है भरतपुर इस मामले को लेकर देंगे, क्योंकि थोड़ी 2 बजे के करीब तक जो आरोपी है महेश उसको लेकर भरतपुर पुलिस भरतपुर लेके आएगी करौली से, जिसके बाद जो भी पूरी जानकारी होगी उसके बाद ही पूरी मिल पाएगी।
रवि, क्या पूछताछ फिलहाल शुरू की गई है करौली पुलिस की तरफ से? क्योंकि अगर महेश वहां है तो आसपास ही कहीं लोकेशन अनुज की भी हो, इस तरह कुछ पूछताछ हुई है या कुछ पता चला है? देखिए, बताया जा रहा है कि जो महेश है वो उस इलाके में पहले गाड़ी चलाता था, गाड़ी का काम कर रहा था, गाड़ी में ड्राइव करता था। बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में आया, उसके बाद उसने वहाँ मार्शल जो आसपास के करौली का इलाका वहाँ सूचना दी कि वो सरेंडर करना चाहता है। हालांकि ये सूचना मिल रही है, हालांकि इसमें क्या कितनी पुष्टि है अभी कह नहीं सकते, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी के थ्रू उसने सरेंडर किया है इस पूर्व में। जी, और रवि, क्योंकि दोपहर तक जो पुलिस है करौली पुलिस वो भरतपुर लेके आएगी, क्या भरतपुर से भी पुलिस के कुछ जवान या कोई करौली पहुंचे हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, जो भरतपुर पुलिस के द्वारा जो टीम है गठित की गई थी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम। बिल्कुल, और अब हमारे साथ भरतपुर रेंज के IG प्रसन्न खमीसरा जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका, और एक ये बड़ी खबर है, सफलता है कि अब महेश को, जिसको लंबे समय से ढूंढा जा रहा था जब से ये हत्याकांड हुआ, उसको पकड़ लिया गया है। सरेंडर किया है या पकड़ा गया है? एक्चुअली महेश जो मोटरसाइकिल इस घटना में जो प्रयोग की गई थी, इसको ये महेश ही घटना के वक्त चला रहा था जी। इसको तीनों जिलों की पुलिस धौलपुर, भरतपुर और करौली पिछले 3 दिन से लगातार इनकी दबिश दे रही थी। कल SP भरतपुर, SP धौलपुर और करौली की टीमें लगातार गांव-गांव छान मार रही थी और जंगलों में इनकी तलाश की गई थी। रात को 1:30 बजे करीब, 1:30 बजे के आसपास की बात है, इसको मासलपुर और सुरोट का जो बीच का गांव है आरेनी, उस तरफ इसको मुखबिर के तला पे डिटेन किया गया है। इसको अभी भरतपुर लाया जा रहा है और उसके बाद में इसको अरेस्ट। जी सर, तो क्या अभी फिलहाल कोई और जानकारी उससे मिल पाई है, पूछताछ हुई है? क्योंकि उसकी लोकेशन जो है, महेश की लोकेशन करौली मिली है, तो आसपास ही कहीं अनुज का भी मिलना हो सके। मैडम, ये है कि ये जो बेल्ट है पूरा, ये तीनों जिलों से गिरा हुआ बेल्ट है जी। तो इस तीनों पुलिस की कंबाइंड पुलिस इसमें लगी हुई थी लगातार पिछले 2-3 दिन से सूचना के आधार पे, और अब इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में सारी जो फर्दर डिटेल्स है वो सारी सामने आएगी। बिल्कुल, और सर भरतपुर तक कब पहुंचेगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? भरतपुर जल्दी पहुंचने वाला है जी, क्योंकि सर जिस तरह हमारे सहयोगी ने कहा कि इस तरह जानकारी मिल रही है कि उसने सरेंडर की बात कही थी और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन भी लगातार पुलिस का जारी था, तो क्या इसमें सच्चाई है या पुलिस ने ही दबोचा है? देखिए, पुलिस का जो काम होता है हर तरीके से रहता है जी, लगातार पुलिस की दबिशों से, प्रेशर से और मुखबिर के तलाक के साथ में काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, तो जिस तरह से प्रसन्न खमीसरा IG ने कहा कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, ढूंढ रही थी, सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ा है। जी बिल्कुल, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि IG जो प्रसन्न कुमार खमीसरा, उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है कि जो मासलपुर और सूरत का जो इलाका था वहाँ दबिश दी गई थी। हालांकि कल जिस हिसाब से दबिश दी पुलिस ने, तो उसको देखकर एक खौफ था, क्योंकि दो जिलों की पुलिस और फिर करौली पुलिस जो इलाका है पूरा डांग का, वहाँ लगातार अभियान चला रही थी, सर्च अभियान डांग इलाके में, कहीं ना कहीं उससे डर के कारण उस महेश ने वहाँ सरेंडर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।